निधन से देश में शोक की लहर। प्रधानमंत्री मोदी व राजनाथ सिंह समेत कई राजनीतिक शख्सियतों ने दी श्रद्धांजलि। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बनाया गया एक नया मंत्रालय। सहकर से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा। यूपी में एमएलसी की 4 रिक्त सीटों के लिए चर्चा में कई नाम। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में नहीं लग सकी अंतिम मुहर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में स्वयंसेवकों को सराहा। सेवा भाव की दी सीख। अब हिंदी में भी होगी बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। एक टीयू कार्य परिषद की बैठक में लिया गया है निर्णय। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। ट्रेजेडी किंग और दिग्गज कलाकारी के लिए मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। फिल्म जगत में उनका अतुलनीय योगदान कोई चाहकर भी भूल नहीं सकता। मुगले आजम जैसी अमर फिल्मों में काम कर चुके दिलीप कुमार की मौत की खबर सुनते ही फिल्मी दुनिया में सन्नाटा पसर गया है। सुबह से ही कई दिग्गज लोग उनको अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब, दोस्तों जब तक फिल्मी दुनिया रहेगी तब तक दिलीप साहब का नाम रेस्पेक्ट से लिया जाएगा। फिल्मी दुनिया का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप साहब से शुरू होगा और दिलीप कुमार साहब से समाप्त होगा। आज के जितने कलाकार जो भी, चाहे अमिताभ बच्चन हो, पहले के मनोज कुमार हो, शाहरुख, सलमान, अक्षय, सारे ही लोग दिलीप साहब से प्रभावित। वो एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट थे, सबने उनसे कुछ ना कुछ सीखा और आने वाली पीढ़ियां भी दिलीप साहब से सीखती हैं। ज्वारभाटा से कैरियर दिलीप साहब ने शुरू किया। अगर उनकी फिल्मों को मैं याद करूं तो कर्मा कौन भूल सकता है, कर्मा, क्रांति, शक्ति, मशाल, बैराग, राम श्याम, फिर देवदास, मुगले आजम, गंगा जमुना, चाहे कॉमेडी की बात हो चाहे ट्रेजेडी की बात हो, दिलीप साहब अपने आप में एक संस्थान थे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी इसको लेकर ट्वीट जताया है। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ है और इसी में सीएम योगी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। आगरा परिक्षेत्र के आईजी रेंज नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में इस माह दो अभियानों की गई शुरुआत। ऑपरेशन शिकंजा जहां अपराधियों का पर कसेगा तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन तलाश बिछड़े लोगों को अपने परिजनों से मिलाने का काम करेगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन शिकंजा के अंतर्गत परिक्षेत्र के इनामी, वांछित गैंगस्टर और बड़े अपराधियों पर यह कसा जाएगा। वहीं ऑपरेशन तलाश के अंतर्गत आगरा परिक्षेत्र में पुलिस निरंतर गुमशुदा हुए लोगों की तलाश करके उनके परिजनों से मिलाने का काम कर रही है। आईजी रेंज नवीन अरोड़ा द्वारा परिक्षेत्र के जनपदों में चलाए गए अभियान ऑपरेशन प्रहार की सफलता के लिए सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को धन्यवाद दिया गया है। सबसे पहले तो मैं सभी जिले के एसएसपीज को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऑपरेशन प्रहार को बहुत सक्सेसफुल बनाया और अब दो ऑपरेशन इस महीने के लिए छांटे गए हैं। एक ऑपरेशन शिकंजा है जिसमें अपराधियों पर पुलिस की मजबूत पकड़ बनाने के लिए इनामी अपराधी, गैंगस्टर, वांछित अपराधी, इम्पॉर्टेंट केसेस के वांछित अपराधी, नए गैंग रजिस्ट्रेशन कराना और इनकी गिरफ्तारियां करना, इनकी संपत्ति जब्त कराना, इनकी हिस्ट्री शीट्स खोलना, इन सब चीज़ों पर हम ऑपरेशन शिकंजा चला रहे हैं जिसमें अपराधियों को बिल्कुल सांस लेना कठिन कर। वहीं आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ऊपर जानलेवा हमले को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस मुकदमे को पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने फर्जी बताया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का ये कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने दर्ज एफआईआर में हमले की टाइमिंग को लेकर सवाल या निशान उठाते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है।
साथ ही कहा है कि जिस वक्त हमले का समय दिखाया जा रहा है उस वक्त मैं अपने ढाबे पर ही बैठा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है। सरासर झूठ है, इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न हमारा इसके बारे में कोई जानकारी है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र होगा, और जिस तरह जिस वक्त उन्होंने टाइम दिखाई है 11:50 की, हम भी FIR काफ़ी कहीं देख लिए, 11:50 पे मैं अपने ढाबे पे बैठा हूँ, 11:15 बजे से आकर 11:25 पे बैठा हूँ, यहीं बैठे ही रहा हूँ। फुटेज भी मेरे यहाँ, निकालना चाहें लोग निकाल लें, और आप लोग हैं, आप लोग तो चौथे स्तंभ में, आप तो सच्चाई को जान ही जाएंगे, आज नहीं तो कल जान जाएंगे। लेकिन यह है कि हम जैसे सम्मानित व्यक्ति को बार बार इस तरीके की बात कहना समाज के लिए एक बड़ा दुखदाई है। उन्होंने कोई ज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने फॉर्म बातचीत में ये अपेक्षा की है कि जैसा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जिला पंचायत का, उसी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का भी हो, तो मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि चुनाव पूर्ण तरह। वहीं बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में एक शराबी युवक ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। आरोपी पति लगातार आत्महत्या का प्रयास कर परिजनों को फंसाने की धमकी देता था। वहीं पीड़िता ने थाने में पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं ये पूरा मामला नरसेना थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव का है। यही घटना होती है, दारू पीता है, मारता है घर से बाहर, रात को रात 12-12-1 बजे निकाल देता। अब कल मारपीट की आपके साथ? कल मैं तो अपने गाँव हूँ। अच्छा, मारी थी, लेकिन यहाँ फिलहाल में ये घटना भाई कि मैं या लड़की है नो लाई मिल की दादी रजमा है जाएगी, मारपीट का नहीं है, तीसरे दिन भगा दिए, मेरे ही पहुंच जाए घर पे। अब क्या हुआ फिलहाल बताओ, मारपीट की है और कहा है तो उतर नहीं लेना होता है गाड़ी में सु, और कह रहे हैं कि फांसी लगा के मारूं तुम्हारा नाम लूंगा। हाँ, क्या कह रहा, पहले तो बुला दिए फिर बाद में बोल रहे हैं कि यहाँ पे आओ तुम। खबर जौनपुर से है, जहाँ दिन दहाड़े नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लड़की के परिजनों ने मुस्लिम मौलाना पर अपहरण का आरोप लगाया है। वह इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित की मां ने SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के गाँव का है। कौन लेके गया है? अख्तर नाम का लड़का। कब लेके गया है? कल शाम को 3 बजे। आपकी लड़की थी? कितने साल की थी? 16 साल। असली में इतनी कम उम्र की लड़की को लेके भागना, 21-32 साल के मुसलमान, इसमें बहुत बड़ी साजिश लगती है। तो ड्राइवर को पकड़ा गया जो सफेद बुलेरो लेके गया था, उससे पूछा गया कि तुम कहाँ लेके गए थे, तुम्हारी बुलेरो गई थी? तो उसने बताया साहब 1200 रुपये किराए पर हम लेकर के गए थे और हम रोडवेज पे छोड़ के चले आए। धर्मांतरण से जोड़ने का मकसद जोड़ा भी जा सकता है, नहीं भी जोड़ा जा सकता है, जब तक सही पता ना हो हम कैसे बता रहे, पहले उस लड़के को पकड़ा जाए तो सब। वहीं रायबरेली में पुलिस अधीक्षक ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पीड़ित अपनी घायल मां को लेकर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंच गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले थाना मिल एरिया के अंतर्गत चकदादर में गांव के ही लोगों में मारपीट हुई थी, जिसमें संजय प्रकाश की मां को चोट आई थी। वहीं संजय प्रकाश अपनी घायल मां को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन जिला अस्पताल में पीड़ित से पैसे मांगे जा रहे थे। इससे दुखी होकर पीड़ित युवक ने एम्बुलेंस में अपनी मां को लिटाकर पुलिस अधीक्षक के पास इलाज कराने की गुहार लगाई है। SP ऑफिस आए हुए हैं, कप्तान साहब से मिलने चाहते हैं, वो मिलने नहीं दे रहे हैं, बाहर रोक रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं आप जाइए वहाँ थाने में लिखाइए रिपोर्ट। दिखाने के लिए लेके आए हैं कि हमारा पेशेंट है, हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही है, हर जगह पैसा मांगा जा रहा है, हॉस्पिटल में लो तो पैसा मांग रहे हैं,
थाने में जा रहे हैं एप्लीकेशन देने, तो पैसे मांग रहे हैं। थाने में कौन पैसा मांग रहा है? एसओ साहब, वो दरोगा साहब मांग रहे हैं। क्या नाम है दरोगा साहब का? दरोगा साहब का राठौर नाम है। क्या नाम है? राठौर। पैसा मांग रहे हैं आपसे? हाँ जी। और वो जो होम गार्ड भेजते हैं, वो कितना पैसा मांग रहे हैं आपसे? किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं? होम गार्ड जो मांग भेजते हैं हॉस्पिटल, वो पैसे मांग। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार सुबह मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया है। वह 98 वर्ष के थे और लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे। दिलीप कुमार के निधन के समाचार से उत्तर प्रदेश में उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। लोगों के साथ हस्तियों ने भी इंटरनेट मीडिया पर दिलीप के निधन पर शोक जताया है। दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले भारतीय अभिनेता के तौर पर दर्ज है। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों के प्रेरणा स्रोत दिलीप कुमार जी का निधन फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह अथा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि मौत उन्हें कहीं ले जा नहीं सकती है और चाहने वालों की याद उन्हें कहीं जाने नहीं देगी। वो मुगले आजम का बगावती अंदाज, सलीम का अमर किरदार, आप कहीं नहीं जा सकते हैं दिलीप साहब। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां एक युवक ने गोमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम रवि जायसवाल था और वो पेंटर का काम करता था। साथ ही मृतक के परिजनों का कहना है कि कई दिनों से युवक डिप्रेशन का शिकार था और आर्थिक तंगी से परेशान भी चल रहा था। वहीं ये पूरा मामला निषादगंज के पुराना बाबा पुरवा का है। तो लखनऊ से आपको एक खबर बता रहा, जहां पर एक युवक ने गोमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम रवि जायसवाल था और वो पेंटर का काम करता था। साथ ही मृतक के परिजनों का कहना है कि कई दिनों से युवक डिप्रेशन का शिकार था और आर्थिक तंगी से भी परेशान चल रहा था। वहीं ये पूरा मामला निषादगंज के पुराना बाबा पुरवा का है। वहीं लखनऊ में अमीनाबाद उपकेंद्र के एक्स एन रमेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में देर रात नाइट पेट्रोलिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान देर रात बिजली विभाग के द्वारा छापेमारी की गई। कटियामारी कर चोरी से बिजली चलाने वालों पर बिजली विभाग पूरी तरह से सख्त है। आपको बता दें कि मौलवीगंज क्षेत्र के हैदर मिर्जा रोड, चिकमंडी समेत कई इलाकों में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र में मकान तोड़ते समय एक दीवार अचानक गिर गई। इस हादसे में दो बच्चियां मलबे में दब गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को बाहर निकाला। वहीं आनन फानन में दोनों बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई जबकि दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना से परिवार में काफी कोहराम मचा हुआ है। तो बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे, जहां पर शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक मकान तोड़ते समय दीवार अचानक से गिर गई और इस हादसे में दो बच्चियां मलबे में दब गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को मलबे से बाहर निकाला और आनन फानन में दोनों बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई जबकि दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि इस घटना से परिवार में काफी कोहराम मचा हुआ है। वहीं बुलंदशहर में मामूली विवाद में दो पक्षों में कहा सुनी होगी और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्षों के 3 महिलाएं और सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इस मामले की जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं ये पूरा मामला नरसेना थाना क्षेत्र के गाँव नरेंद्रपुर का है और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तो बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहा है जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस घटना का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला नरसेना थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर का है। वहीं आजमगढ़ में पुरानी कोतवाली क्षेत्र में लगे 4 ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इस घटना से आसपास के 2-3 मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं इस आग से खंभों से लेकर लगे जो तार थे वो भी जल गए हैं और स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी बिजली विभाग को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर बिजली विभाग के लोग पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। 11 बजे के करीब ये घटना हुई है ट्रांसफार्मर जलने की। अब हमारी समस्या ये है कि रात से बिजली नहीं है, हमारी तो यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द बनवाने की। तो आजमगढ़ से आपको खबर बता रहा जहां पर स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को तुरंत इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बिजली विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। वहीं देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म होने को है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका ने स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के रोजाना मामलों में कमी के बाद से अब देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अनलॉक के तहत स्कूल, जिम, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल और बाजार खुलने लगे हैं। 111 दिनों में कोरोना वायरस के 34,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,00,000 से कम हो गई है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, केरल, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, नागालैंड का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं लोगों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि देश में दूसरी लहर अब भी जारी है, इसलिए कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस के 80% नए मामले 90 जिलों से आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक राहत की खबर भी दी है। उन्होंने कहा है कि देश में पिछले 9 दिनों से लगातार 50,000 से कम मामले रिपोर्ट दर्ज हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक में ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।